गया नीता, लव ऑफ माय लाइफ। सच में? रूही, लव ऑफ माय लाइफ। प्यार हमारी जिंदगी की हर महत्वाकांक्षा, हर उम्मीद प्यार से शुरू होती है और कहीं ना कहीं प्यार पे आके रुक जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के सब लोग, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे सहकर्मी सब हमें पसंद करें, हमसे प्यार करें। पर आप जानते हैं, हमारे लिए उस इंसान का प्यार सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जिसके साथ हम जिंदगी गुजारने के सपने देखते हैं। कभी कभी खुद के वजूद से भी ज्यादा जरूरी। लेकिन आप जानते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम्स प्यार के नाम पर होते हैं। क्राइम और पैशन, जुर्म और मोहब्बत का नाम असल में कभी भी एक साथ लिया जा सकता है क्या? गलत होगा ना ये। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क की स्पेशल सीरीज विमेन अगेंस्ट क्राइम में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की कहानी नवी मुंबई की जूही नगर की है, जहाँ वीना और नीता अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ रही थी, कोई प्यार के लिए तो कोई प्यार के सहारे। लेकिन इनमें कोई और था जिसने इन दोनों के मासूम प्यार को कुचल दिया। ए नीता, कफर लगा तू जा, गाड़ी के सामने क्या आ रही है? सुन, एक ना मजा, ऐसी मैंने क्या गलती कर दी है? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो अब तो तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। आई, ब्रेकअप होता रहता है, ठीक है? और मैंने कोई ऐसा बड़ा क्राइम नहीं कर दिया तेरे साथ, समझी? चला था। मैं वजह तो बता दे सुहम। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? और आज के बाद मेरे को मैसेज नहीं करने का, मेरे को कॉल नहीं करने का, और ये जो तेरी शक्ल है ना, ये तो मेरे सामने लाना ही मत, समझ रहा ना? समझे? बस रे। भाई, वो 1.5 साल से तेरी गर्लफ्रेंड है और एक नई लड़की मिली तो तू ऐसे बात करेगा? ओ, ज्यादा लव गुरु मत बन, समझा? ज्यादा गले पड़ने वाली लड़की ना नकोरे मला। पर भाई मेरी बात तो सुन। गाना सुन तू। ए राहुल, अबे तेरे को भाव भी नहीं दे रही है वो। अरे गप्पा बस, उसका ध्यान कहीं और होगा, मैं जाके देखता हूँ। राहुल, काय कर तो इस पूरे बुक्स गिरा दी मेरी। क्या वीना, एक तो एक हफ्ते के बाद मिली है, ऊपर से तू मुझ पे गुस्सा कर रही है। तुम्हें पता है ना मॉक टेस्ट चल रहे हैं? हाँ पता है मुझे, लेकिन अभी मॉक टेस्ट खत्म हो गया ना, अभी तो तू फ्री हो गई है। अच्छा सुन, आज के शो का अगर खाली है तो थोड़ी देर बॉयफ्रेंड कम फियांसे कम होने वाले पति के साथ टाइम स्पेंड करना। कैसा बॉयफ्रेंड मिला है मुझे? अभी मिल गया हूँ ना, चले चल ना। हाय। चाबी। हाँ। आगे शो। नीता, तुझे किसने बोला था उससे मिलने जाने को? तुझे पता तो है हम किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। मगर उसने करवाया ताई, शादी का प्रॉमिस करके उसने मेरे साथ सब कुछ किया। पूरा साल भर तक कहा कि शादी तो हमने करनी है, धोखा दिया उसने मुझे ताई, धोखा। नीता, तू क्लास लगाने एलिस और मेरे नोट्स वापस दे दे। सोम, नीता, हम सोम जैसे अमीर नहीं है, उसके पास उसके बाप का कमाया हुआ माल है, हमें मेहनत करके कमाना पड़ता है। तेरा ब्रेकअप हुआ है मुझे पता है, पर अपना काम मत छोड़। यार जिन में 2 दिन ही तो नहीं आई मैं, बस कैसा दोस्त है रे तू? तुझे नहीं समझेगा, छोड़ तू। सबका कभी ना कभी ब्रेकअप होता है यार। देख, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, अब मेरे नोट्स दे देना प्लीज, मुझे क्लास लेनी है। ये ले, मर। प्लीज। कुछ दिनों के बाद ना ये बुरा लगना कम हो जाता है, संभालो अपने आप को। चले माँ, ये तुम्हें। हाँ, ये। राहुल,
राहुल बस ना। क्या वीना, एक तो तू शादी के लिए इतना देर कर रही है, ऊपर से पास भी नहीं आने देती। राहुल तुझे पता है ना, मैं पहले यूपीएससी क्लियर करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी। आने मसा का है, सोचा तूने कभी? मैं बस तेरा वेटिंग रूम बन के रह गया हूँ। राहुल राहुल, अच्छा अब कभी नहीं रखूंगी, प्रॉमिस। गया नीता, लव ऑफ माय लाइफ। सच में? हेलो, तुझे क्या लगता है तू मेरे साथ ऐसे करके सुखी रह पाएगी? कौन? सुन, तुझे ये प्यार कभी नहीं पलेगा। कभी नहीं? बक्का है होता तुझे बरोबर। सुनी, क्या हो गया? नीता का कॉल आया था, मुझे बहुत बुरा भला सुना रही थी, मुझे गालियां भी दे रही थी। खुशी के यहाँ से आ रही हूँ, नीता तिकड़े पड़ना ही है गो, मारा खूब टेंशन आले। मम्मी तू टेंशन मत ले, वो इधर ही कहीं गई होगी, बस आती ही होगी। काय झाले हेमा, तूने अर्जेंट फोन करके बुलाया? वो चिन्मय नीता कहीं मिल नहीं रही है। हाँ। उसने कल रात को मुझे फोन किया था, उसने कहा था कि पुलिस के पास जाएंगे, शायद वो वही गई हो फिर। पुलिस? पुलिस क्यों हेमा? पुलिस के पास क्यों? बोल मुझे हेमा, तुझे कुछ पता है बोल। मम्मी मम्मी, हो सकता है वो पुलिस स्टेशन गई हो। चल हम पुलिस स्टेशन चलते हैं पहले। हेमा, मैं भी आऊंगी। पापा मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, घर में कुछ बेचने को रहेगा तो दे दे, बोलो मार देंगे रे मेरे को। अरे तो मारना ही चाहिए तुझे, जुआ खेलता है, नशा करता है। अरे तू अपनी माँ के मरी हुई माँ के गहने बेच के खा गया। हे पापा, ये प्रवचन मत दिया मेरे को पैसा चाहिए बस। कहाँ से लाऊं पैसा? होता तो भी नहीं देता तुझे, तू निकल यहाँ से, चल। ये दादा, दादा क्या कर दो? पापा आप अंदर जाओ। सर पैसा, हर किसी को पैसा चाहिए। अरे पापा, दादा तू अभी के अभी यहाँ से निकल, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेरे को पुलिस की धमकी दे रही तू मेरे को? तूने चुगली किया ना मेरे चोरी का? सच बोल, सोनर नहीं तुला मैं, देख लूंगा तेरे को। ए विना, जरा चखण्यासाठी कांदा भजी विजी बनव ना। हा बस एक बार यूपीएससी पास कर लूं, उसके बाद मैं इन दोनों की शक्ल भी नहीं देखूंगी। आपको पता है मम्मी, पापा ने तो इस बार मेरी फीस भी नहीं भरी। कॉलेज तो मैंने जैसे तैसे करके पार्ट टाइम जॉब करके फिनिश कर लिया, लेकिन अब तो टाइम भी नहीं मिलता है, ऊपर से दादा ने आपके सारे गहने बेच दिए। 2439 नीता सालवे, उम्र 23 साल। सर चेयर के फोटो सर्कुलेट कर दो। तुम ऐसा क्यों लगा वो पुलिस की बस आई होगी? सर सोहम के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। सर नीता कुछ दिनों से अपने ब्रेकअप को लेकर बहुत परेशान थी, सर उसे प्लीज जल्दी ढूंढिए, कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले। सर कुछ कर ना ले मतलब इसके पहले कुछ किया था उसने? जी सर, परसों ही उसने। नीता, नीता कहाँ जा रही है? रुको नीता, नीता
तुझे कुछ करना ही है ना तो उस लड़के का कर, अपना नहीं। सोहम मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, अब मैं और नहीं जी सकती, ना मुझे प्यार मिला ना इज्जत, मुझे नहीं जीना है अभी। लेकिन अभी तो आपने कहा था सोहम का उसका ब्रेकअप हुआ था, फिर सोहम मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, ऐसा क्यों लिखा उसने? सर, नीता सोहम से बहुत प्यार करती थी, पर सोहम ने नीता को धमकी दी कि अगर वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो उसकी फोटोज। नीता, क्या हुआ नीता, तू रो क्यों रही है? सोहम ने नीता की सारी फोटोज अपलोड कर दी, नीता का फेस ब्लर करके। तो ये ब्लर फेस वाली लड़की मैं हूँ, और मैसेज भेज के धमकी दी कि इस बार तो उसने फेस ब्लर कर दिया है पर नेक्स्ट टाइम वो फेस ब्लर नहीं करेगा, और इसीलिए सर उसने सुसाइड। लेकिन सोहम ने नीता के फोटो लीक क्यों की होगी? क्योंकि सर नीता उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड रूही से मिली थी सोहम की सारी सच्चाई बताने के लिए। सर काही करा पण माझ्या नीताला शोधून काढाओ, होई तो हमारा सहारा है। अरे काळजी नका करू, काळजी नका करू, आपण शोधून काढू तिला। दीक्षा सर, नीता का मोबाईल नंबर सर्व्हेलन्स पे डाल दो। ओके सर। शिर्के सोहमचे डिटेल्स घ्या। अरे अगर तूने बीच में टांग अड़ाई ना तो देख लेना। दादा तू जुए में पैसे हारा है, पापा के पैसे आते ही सबसे पहले मैं अपनी फीस भरूंगी। दादा से ज्यादा लड़ेगी तू? दादा से? अब अगर तूने हाथ उठाया ना तो यही फोटो का तुझे, समझा तू? ये मजनू, ज्यादा हीरो मत बन, समझ गया? और तू इस छपरी के दम पे है ना, ज्यादा उड़ मत, ऐसे तुम मैं ही लेके जाऊंगा, देख लेना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हो गया? अरे मी सांगितलं तेवढं करत जा रे, कर ना। मैंने नीता के बॉयफ्रेंड सोहम को थाने बुलाया था लेकिन वो आया नहीं। उसका कहना है कि कल रात दो गुंडों ने उसके ऊपर अटैक किया और नीता भी उनके साथ थी। क्या सर? वो अभी भी हॉस्पिटल में है, मैं उससे मिलके आता हूँ। सर, नेशनल पार्क के जंगल में एक डेड बॉडी मिली है, पूरी तरह जली हुई। सर हमारी एक टीम ऑलरेडी वहां पर है। शिर्के तुम हॉस्पिटल जाओ। सर दीक्षा मेरे साथ चलो। जी सर। सर बॉडी को पूरी तरह से जलाया है। दीक्षा जी सर, ये नोज पीने के देखो। हाँ सर, नो स्पिन है। इसका मतलब ये लड़की हो सकती है। एक काम करो, नो स्पिन का फोटो लेना और ये आधे जले जो कपड़े उसके भी फोटो ले लेना। जी सर। ये क्या है दीक्षा, चेक करो। जी सर। सर ये बैग का जला हिस्सा लग रहा है सर, और ये जला हुआ मोबाइल भी है। ये क्या है? सर ये बैग का लोगो लग रहा है। एविडेंस बैग में रखो। जी सर। क्या ढूंढ रहे हैं सर? इसका जूता, चप्पल, सैंडल, आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं दिख रहा है। शिंदे कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला मैडम। नहीं सर। नहीं, इसका मतलब इस लड़के को बैग में डाल के जलाया गया है। इसकी पोजीशन भी वैसे ही दिख रही है, लेकिन ये सब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। एम्बुलेंस को कॉल करो। ओके सर। शिंदे सर, कहीं छोटा मोटा गाड़ी से टायर मार्क सपट लेगा? नहीं सर, सब जगह पे चेक किया, कुछ नहीं दिखा। कौन हो सकती है लड़की? सर कल रात को जिसने मुझे पीटा वो नीता ही थी सर। सर कई तरीका रहा,
बहुत त्रास हो गया है उस लड़के का। लेकिन आप लोग इतना श्योर कैसे हैं? सैंडी दिखा ना। सर ये नीता की इयररिंग है, कल रात को दो लोगों ने मुझे पीटा सर। सर रूही को पूछ लो, हम दोनों कल साथ में थे और वो लोग मुझे पीट नहीं आए थे सर। वो लोग ना मेरा वॉलेट लेके गए, मेरी गाड़ी में मेरा फोन आईपैड सब कुछ था सर, लेकिन कुछ भी नहीं लेके गए। मैं तभी समझ गया कि ये नीता ही होगी और फिर रूही को ये इयररिंग्स मिले। रूही तुम्हें पक्का यकीन है कि इयररिंग नीता का है? जी सर। एक मिनट, आप ये देखिए, उसने जो सोशल मीडिया पे फोटो डाल रखी है उसमें यही इयररिंग्स पहन रखे हैं। अच्छा है, मीता उस दिन तुमसे मिलने भी आई थी ना? सर वो मुझसे मिलने नहीं आई थी, वो सोहम के खिलाफ मुझे भड़काने आई थी। क्या कर रही है तुम? चुप रूही, सोहम जितना अच्छा बनता है ना उतना अच्छा है नहीं। क्या बकवास कर रही है तू? तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? ये देखो मेरी फोटो सभी तक रखा है और अब मुझे धमकी दे रहा है। मुक्का है करना तो तू उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। तू ही, वो तेरे साथ भी ऐसे करेगा? नहीं करेगा, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में है, मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। नीता तो को एक बार बोला ना इससे दूर रहने का करके, बात समझ में नहीं आती। बीबी आपको लगा तो नहीं ना, अगली बार से इसके आसपास भी मत भटकना। चलो बेबी। सर प्लीज उसे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। सर सर सर, वो नीता ना अच्छी लड़की है सर। मैं मानता हूँ सर वो उसने सोम को मारा होगा, पर जो सोम ने उसके साथ किया वो भी बहुत गलत किया सर। सर सोम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर नीता जेल जाना डिजर्व नहीं करती है। वाटली फिल्म हाँ काय बिना यूपीएससी तो तू क्लियर कर लेगी, लेकिन अगर ये वीडियो मार्केट में वायरल हुआ तो तू गवर्नमेंट जॉब भूल जा। क्या चाहिए तुझे? हाँ सही सवाल, मेरे साथ और मेरे दोस्त विकी के साथ यही। साले हिम्मत कैसे ये सब करने की? चल ए संभाल अपने हीरो को। क्या चाहिए तुझे? वही जो मैं बोल रहा हूं। फिर के नीता का कुछ पता चला? सर मुझे लगता है कि ये नीता फरार हो गई है। कल रात सोहम पर दो लोगों ने हमला किया था, दोनों ने मंकी कैप और वो हुडी पहनी हुई थी, उनमें से किसी का चेहरा नहीं दिखा और क्राइम स्पॉट पे नीता का इयररिंग मिला। इसका मतलब नीता ने ही सोहम को मारा, उसे लगा सोहम मर गया और वहां से भाग गया। सर फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, ये सोहम पर रात के 1 बजे के आसपास हमला हुआ और नीता का फोन 11:30 बजे से ही बंद आ रहा है सर। बाकी की डिटेल्स तो CDR के बाद ही पता चलेगी। सर जंगल में जली हुई लाश मिली थी, उसके फोटोग्राफ्स। सर एक मिनट, सर ऐसा नोज पिन तो नीता भी पहनती है ना? एक मिनट ये देखिए, इसमें क्लियर नहीं दिख रही नोज पिन। और हाँ सर, नोज पिन तो काफी लड़कियां पहनती हैं। फिर भी हम चांस नहीं छोड़ सकते, DNA टेस्ट करवा और फैमिली को बुला। चल कुठे गेल तीस मरायला? कितना बजा मालूम है? सुबह चिकन बनाने को बोला था ना तुझे, चखने में क्या खाऊं मैं पढ़ाई करूं या ये सब?
पर क्या ऐसा नहीं कर रही किसी पे? लड़की है तो घर का काम भी करना पड़ेगा। चिकन बना दे मेरे लिए। मेरी बच्ची। पानी देखिए। तुम मम्मी को बाहर लेकर जाओ। आइए। सर, ये नोज पिन और ये कपड़े दोनों नीता के ही हैं। पर सर, किसने मारा मेरी बहन को? देखिए, हमें कल शाम को ही बॉडी मिली। हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, ये सब ना सोहम और रूही का ही किया धरा होगा सर। उन दोनों के अलावा मेरी बहन का और कोई दुश्मन नहीं था सर। मेरी बहन तो बहुत सीधी सादी थी सर। वो सीधा कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, बस। लेकिन हमने सोहम से बात की तो पता चला कि नीता ने उसके ऊपर अटैक किया था। क्या? नीता ने? इसे पहचानती है? हाँ सर, ये तो नीता की इयररिंग्स है। ये इयररिंग्स हमें क्राइम स्पॉट पे मिली। हो सकता है नीता ने किसी के साथ मिलकर सोहम पे हमला किया। पर सर, मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी? नहीं है माँ, सर सही बोल रहे हैं। क्या रात्रि मला नीता ने फोन किया होता सर? हाँ नीता। चन्मय, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सोहम को सबक सिखाना पड़ेगा। नीता नीता, तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें। कल हम पुलिस के पास जाते हैं, ओके? उससे क्या होगा, अमीर बाप का बेटा है, कल बेल लेके बाहर आ जाएगा। नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। तू राधिका ने संगीत लिया? सर, जब मुझे सोहम के अटैक के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि नीता ने सच्ची में कुछ कर दिया होगा, इसलिए मैं नीता को बचाना चाहता था। शिरके, स्टेटमेंट गया है। चला। क्या ऐसा तो नहीं ये चिन्मय नीता से वन साइडेड प्यार करता है? नहीं नहीं सर, चिन्मय तो मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। इनफैक्ट वो तो अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है, पर मैं ऐसे में उसका बोझ नहीं बनना चाहती सर। और सर, उसी ने तो नीता को सुसाइड करने से बचाया था। हाँ। ये क्या कर रही थी? पापा, आपकी एफडी मैच्योर होने वाली है, आप प्लीज मुझे मेरी फीस भरने के लिए पैसे दे देना। सारे पैसे दादा को मत दे देना। ये पैसे माँ से, मैं जो चाहे वो करूं। चल चल। सर, नीता के फोन लोकेशन आ गई है। नीता का फोन उस रात वही था जहां सोहम के ऊपर अटैक हुआ। क्या इसका मतलब नीता सोहम को मारने गई थी? और ये चिन्मय, उसकी लोकेशन? सर, चिन्मय उस दिन घर पर ही था। मतलब नीता किसी और के साथ सोहम को मारने गई थी। तो नीता के घर के आसपास कोई सीसीटीवी है? नहीं सर। और उसने सोहम पे जहाँ अटैक किया वहाँ कोई सीसीटीवी है? नहीं सर। लेकिन सर, नीता के घर के आगे एक एटीएम था, वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा है सर, मैंने वहाँ की फुटेज मंगा ली। ओके। अरे कड़े हो गया ना शक्कर, अभी जाओ। सर जल्दी आ जाएगी उसकी रिपोर्ट। क्लास है मेरी, वो तो बाद में भी कर सकती है, अभी चल चल। सर, नीता की पीएम रिपोर्ट आ गई सर। सर, उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है और उसके पैर की हड्डी भी टूटी है सर। पैर की हड्डी टूटी? हाँ सर, नीता के साथ बहुत ब्रूटल तरीके से रेप किया गया है और इसीलिए बॉडी को जलाया गया। हाँ सर, इसके अलावा बॉडी में और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन उसके पेट में कुछ जले हुए राई के दाने और कपड़ों के रेशे हैं। लेकिन सर, एक इंटरेस्टिंग बात, नीता की मौत रात में 11:30 से 12:30 के बीच में हुई है और सोहम पे जो अटैक हुआ वो रात को 1 से 1:30 बजे के आसपास। इसका मतलब सोहम पर जब अटैक हुआ उस वक्त नीता मर चुकी थी।
एक लड़की ने प्यार में जान गंवा दी, पुलिस को नीता के केस में कोई खास सबूत नहीं मिल रहे थे, क्योंकि नीता की तो बॉडी जला दी गई थी सबूत मिटाने के लिए। उनके सामने सिर्फ एक सस्पेक्ट था सोहम, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई सबूत थे नहीं। अगर पुलिस के सामने कोई और सस्पेक्ट आता तो उनके लिए मोटिव मिलता, पर एविडेंस नहीं मिलता, और अगर एविडेंस मिलता तो कोई मोटिव नहीं मिलता। लेकिन पुलिस को नीता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिला जिससे शायद केस जल्दी सॉल्व हो जाता, या शायद और उलझ जाता। मम्मी के जाने के बाद मेरी बस एक ही धुन थी, यूपीएससी क्लियर करने का। लेकिन पापा, पापा तो मेरी फीस देने से रहे, केशव और विक्की ने भी मेरा जीना आराम कर रखा है। राव, मैं ऐसे नहीं जी सकती। तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, और मैं कुछ सोचता हूँ ना। नहीं राहुल, सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन उनके पास हमारा वीडियो है, अगर वीडियो वायरल हो गया ना तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ऐसे घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि सच्चाई सामने आ जाए। श्योर है ना? तो वीना, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। अरे लेकिन अगर पकड़े गए तो? अरे कुछ नहीं होगा, अच्छी तरीके से जानता हूँ उसके बाप को, एक नंबर का बेवड़ा है, और भाई एक नंबर का जुवारी और नशेड़ी। अरे लेकिन हम दोनों का क्या होगा, और तू तो दुबई जा रहा है जॉब के लिए। तू टेंशन ना ले, इसके बाप को मैंने मैसेज किया है, उसे 1,00,000 रुपए लेंगे और इसको ले जाकर रेड लाइट एरिया में भेज देंगे, वहां से अपने को 5-6 लाख रुपए मिलेगा, उसको अपन तीनों में बांट लेंगे, ठीक है? अच्छा सुन, मैं अभी यहां से निकलता हूं, सुबह मिलते हैं। बॉयफ्रेंड हूं यहीं, मुझ पर भी तो शक जाएगा ना, उसका भी तो जुगाड़ करना है। चल कहा है, बोलता है सर तुम्हें? सर मैंने ना ही नीता को जलाया है और ना ही उसका रेप किया है। मुझ पर एक बजे अटैक हुआ था, पर मैं तो रूही के साथ 11 बजे से ही था। गर्लफ्रेंड की एलिबी मानी नहीं जाती। देख सोहन, अभी भी तेरे पास टाइम है, सच बोल दे, किसने अटैक किया था तेरे ऊपर? आई एम श्योर कोई ना कोई तेरे साथ जरूर था, वो दोनों अटैकर्स थे ना तेरे साथ? अरे सर मैं आपको कह रहा हूँ ना, कोई भी नहीं था मेरे साथ, मैं सच कह रहा हूँ सर, आप रूही से भी पूछ लीजिए, हम दोनों साथ में थे तभी वहां पे। तू ऐसा नहीं बोलेगा। दीक्षा अपने कांस्टेबल यहाँ खड़ा रखा, और जैसे ही डिस्चार्ज होता है ना डायरेक्ट लॉकअप। ओके सर। सर जहाँ सोहम पर अटैक हुआ था और जहाँ नीता की डेड बॉडी मिली थी, हमने दोनों जगह के सीसीटीवी चेक किए हैं सर। सर एक कॉमन व्हीकल मिला है जो दोनों फुटेज में दिख रहा है सर, ब्लैक कलर की बाइक है जिसके साइड मिरर पे लाल कलर की आंखें बनी है। सर हमने एनहांस किया पर बाइक का नंबर प्लेट विजिबल नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट कर दो इस बाइक के बारे में, और नीता के फैमिली फ्रेंड से पता करो इस टाइप की बाइक उन्होंने देखी है क्या। सर वीना को हमने किडनैप कर लिया है, 1,00,000 चाहिए, पुलिस को मत बताना वरना मार देंगे लड़के को। सर मैं तुम्हाला सांगतो, ये सारा प्लान वीना ने किया है, ये मेरी FD आज मैच्योर हुई ना, इसका पैसा उसको चाहिए। ये सब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि कल को मेरे पे कोई ब्लेम ना आए। तेरे को मैसेज आया कल रात को 9 बजे, तू बता रहा है आज सवेरे 11 बजे। थक्के सो गया था सर। थक्के सो गया था, पी के सो गया था, कितनी घाणवास है तू, कुटली दारू पीते रे तू। हां छोड़ो ना सर, आप बिना को ढूंढो ना, बिना की डिटेल्स दे देना इनको, चिरके उसका फोटो भी ले ली, पर इनके हिसाब से वीणा ने खुद का किडनैपिंग का प्लान किया है। घर जाके देखो कुछ एविडेंस मिलता है क्या। ठीक है सर। दीक्षा वीणा का फोटो सर्कुलेट कर दो और CDR निकालो और मोबाइल लोकेशन जाए बरोबर। चलो आगे। सर क्या भाग गए? कहता हूँ तुम लोगों से काम ढंग से नहीं होता है। एक काम करो, फटाफट वो जगह खाली कर दो, निकलो वहां से। अंकल पुलिस, वीना का है? वीना ठीक तो है ना? वो मेरा कल से फोन नहीं उठा रही है। ये कौन है? जी मैं वीना का बॉयफ्रेंड हूँ, कल रात से मेरी उससे बात नहीं हुई है, आज हम क्लास के बाद मिलने भी वाले थे, इसीलिए मैंने उसको सुबह फोन किया था। वीना कभी ऐसे करती नहीं है।
अरे उसने बहुत बड़ा ड्रामा किया है अब, वो भी किडनैपिंग का। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप, वीना भला ऐसे क्यों करेगी? विनय, ये सब कुछ आपके बेटे विनय ने किया है। विनय? हाँ सर, वीरा का भाई विनय। सर एक नंबर का नशेड़ी और जुआरी है, वो उसे एफडी के पैसे मांगने के लिए आया था और सर कोचिंग के बाद उसको धमका भी रहा था। मैं जब वहां पहुंचा वो बाइक लेके वहां से भाग गया था। उसका एड्रेस और बाइक की डिटेल दो। हाँ सर, वो रमेश नगर में रहता है और उसकी बाइक का नंबर है MH43ED5874 और उसके पास ब्लैक कलर की बाइक है। और हाँ सर, उसके बाइक के दोनों साइड मिरर पर कुछ रेड कलर की आंख जैसा कुछ तो बना था। रिक्शा सर, चलो। केशव सुन, मैंने सारा ब्लेम विनय पे डाल दिया, तो तू और विक्की अब कोई गलती मत करना, ठीक है? साहब, विनय तो कल ही चला गया सामान लेके अपनी बाइक से। हमें एक ब्लैक कलर की बाइक मिली जिसके ऊपर दो जन बैठे थे, हमें डाउट है कि उसमें की एक नीता है। सर मैं श्योर तो नहीं कर सकता, बट ऐसी बाइक मैंने उस रात को हमारे एरिया में भी देखी थी और ये नीता जैसी ही लग रही है सर। पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गई मेरी नीता। उसके कॉल रिकॉर्ड से तो हमें कुछ नहीं मिला, उसका मोबाइल भी पूरी तरह से जल चुका था और जिस जगह उसकी लाश मिली मुझे नहीं लगता कि किसी अनजान आदमी के साथ वहां जाएगी। तो हो सकता है कि सोहो में उसे किसी बहाने से वहां ले गया। सर सोहम का नाम लेकर अगर यमराज भी उसको बुलाते तो वो दौड़ी चली जाती, मूर्ख थी। कम से कम मुझे तो कुछ बता देती। सर वो उसके बहुत प्यार में थी इसलिए शायद उसने ऐसे किया हो। सर रीता की बॉडी रिलीज कराने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। चलिए मैं करता हूँ। सर आप लोगों ने उस दिन डिनर में क्या खाया था? आलू गोभी की सब्जी, चावल और रोटी। सर राई की फोड़नी थी ना? नहीं सर, हमारे घर में सिर्फ जीरा फोड़नी पसंद है सबको, तो जीरा फोड़नी ही डलती है। सर वो मेरे घर पढ़ने आती थी और मैं सर सुबह क्लासेस चला जाता था। पर सर उसने क्लास की फी नहीं भरी थी, सुतिला लाज वाटाई और सर मेरी दोस्त थी तो मैंने मेरे घर की चाबी उसे दे रखी थी, तो वो मेरे घर पे आके पढ़ाई करती थी। वो कल भी आई थी यहाँ पे? मैं तो सर सुबह क्लासेस निकल जाता हूँ सर, अब मेरे पीछे से आई होगी तो मुझे मालूम नहीं। सर मैंने उन सभी काली बाइक्स के ऑनर से बात की है जिनके साइड मिरर पे लाल कलर की आंखें थी सर, उनमें से किसी ने भी नीता को नहीं देखा है सर। सबकी एलिबाई भी चेक की सर, सबकी एलिबाई पक्की है लेकिन विनय ही मिसिंग है। इसका मतलब विनय कल्प्रिट हो सकता है इन दोनों केस में? हो सकता है सर। सर ये वीना के CDR से केशव का एड्रेस मिला है, मैंने केशव से बात किया सर, उसका कहना है कि वीना पिछले 2-3 दिन से उसके घर पर पढ़ने के लिए आ रही थी क्योंकि वीना के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। वीना की लास्ट लोकेशन केशव के घर की ही थी और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ है। हेलो, क्या? ठीक है लोकेशन भेजो। सर वीना की डेड बॉडी मिली है। नहीं है बात कर लो। सर अल्लाह हो गया, देखो चेक करो। सर सुसाइड नोट मिला है सर, वो भी मोबाइल में टाइप किया हुआ है। प्यार नहीं, पैसा नहीं, परिवार नहीं, मैं अब जी के क्या करूंगी? मैं जा रही हूँ दुनिया छोड़ के, गुड बाय वर्ल्ड। स्कूल करना इधर। सारी सेल्फीज लेफ्ट हैंड से निकाली गई है और मोबाइल भी लेफ्ट हैंड से अनलॉक हुआ, इसका मतलब ये लेफ्टी है। अगर इसको सुसाइड करना होता तो ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की नुस्खा है। बड़े पोस्टमार्टम में भेज। लेफ्ट फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल होना बताता है कि वीना लेफ्टी थी।
लेकिन लेफ्ट कलाई कटा होना बताता है कि वीना राइट ही थी। अब ये बात कॉन्ट्रडिक्टिंग थी और हमारी एक्सपीरियंस पुलिस टीम के लिए काफी था समझने के लिए कि वीना का मर्डर हुआ था। सर, वीना बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, इसलिए मैंने उससे कहा था कि फीस की टेंशन ना ले, बस 50,000 ही बाकी है, जब हो तब भर देना। फीस की वजह से वो क्लास में ना आए, इतना प्रेशर हमारी तरफ से कभी नहीं था उस पे। सर, आप मुझे क्यों मार रहे हो सर? मैंने तो आपको सर वही बोला जो मुझे वीना ने बताया सर। नहीं बोला सर, इसका फोन फॉर्मेटेड है। इसके घर से इसका लैपटॉप उठाओ और साइबर टीम को बोलो इसका लैपटॉप चेक करे। जी सर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं राहुल और विकी के साथ था सर। आई शपथ। अरे तू किसके साथ था अभी पता चल जाएगा। सर मैंने इस केशव से बात की थी, ये केशव सच कह रहा है सर। उस दिन केशव, विक्की और राहुल ये तीनों साथ ही थे, मैंने तीनों से बात कर ली है। उस ब्लैक बाइक का कुछ पता चला? नहीं सर। शिरके, मुझे लग रहा है ये विनय किसी ना किसी तरीके से इन दोनों केस में इन्वॉल्व है। उसी ने अपनी बहन वीणा को किडनैप किया होगा पैसों के लिए। या तो वीणा भाग गई या तो उसे पता चल गया होगा कि उसका बाप हमारे पास है, इसलिए डर के उसने वीणा का मर्डर कर दिया। हो सकता है सर। वैसे मैंने विनय का CDR भी चेक किया था सर, उसका फोन कल रात से ही बंद है। सर, हमने विनय की बाइक का नंबर सर्कुलेट कर दिया था, ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, हमारे पास लेकर आ रहे हैं। गुड। साहब मैं तो कल ही यहाँ से भाग गया था, कुछ लोगों ने दोपहर को मेरे को मारा था, मैंने उनके जुए के पैसे नहीं लौटाए थे, इसीलिए मैंने उनसे रात तक का टाइम मांगा और मैं सारा सामान लेकर निकल गया था। और जल्दबाजी में वो चार्जर लेना भी भूल गया, इसीलिए मेरा फोन तकरीबन 8 बजे के करीब बंद हो गया था। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वीना को नहीं मारा है और उस लड़की को भी। तो तेरी बाइक वहां क्या कर रही थी? बाइक तो सर वो वसूली वाले उठाकर लेके गए थे। अच्छा? सर झूठ बोल रहा है, इसकी फोन लोकेशन क्रॉस चेक की है मैंने, जिस रात उसका मर्डर हुआ ये उस जंगल के एरिया में ही था। साहब उधर तो मैं जाते रहता हूँ वो माल लेने के लिए। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा वीना को, और वो नीता वीता कौन है मैं जानता तक नहीं हूँ साहब। आई शपथ। नीता वीता सबको जानेगा। हाँ कर दे क्या है सर? वीना की PM रिपोर्ट आ गई है सर। सर वीना की मौत रात में 1 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है, लेकिन वीना की बॉडी पर स्लाइवा और प्यूबिक हेयर मिला है जो वीना का नहीं है। मतलब रेपिस्ट के। सर हमने केशव की हार्ड ड्राइव को रिकवर किया था और ये देखिए क्या मिला। इस बेचारे लड़की के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, सलाइवा और प्यूबिक हेयर इनके DNA से मैच कर लो, तोड़ो इनको। सर हमने उसका किडनैप किया था पैसों के लिए, उसको बेचने के लिए उठाया था, तो फिर हम उसे क्यों मारेंगे? सर सच कह रहे हैं सर, हम लोग तो सर खाना लेने गए थे सर, इतने में वो भी ना वहां से भाग गई सर। लड़की बेचते हो? लड़की बेचने की चीज है कमीना। जैन सर। जी सर, केशव, विक्की, राहुल किसी का भी DNA मैच नहीं हुआ सर। ये विनय क्या बोल रहा है? सर विनय उस रात घर पर ही था और हमारे एरिया में जो 7 बाइक है उन सबको चेक किया, उस रात इनमें से कोई भी बाइक उस एरिया में नहीं थी। सर मैं नीता और बीना के सेक्स वीडियोस और उनकी फोटोज चेक कर रही थी क्यू के लिए, और ये देखिए क्या मिला है। सर इसके बाद मैंने इनकी ऑनलाइन परचेज और वेब हिस्ट्री चेक की। सर ये बैग का लोगो लग रहा है। अरे साहब सुनिए ना, आप लोग क्या कर रहे हैं साहब? कड़े इस कमरे का कोना कोना छम। सर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ से आई है राई, सोन की वेब हिस्ट्री में हमने चेक किया था, उसने मस्टर्ड पिलो का ऑर्डर किया। उठाओ उसे हॉस्पिटल से। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो नीता चाहिए भी नहीं थी, मैं क्यों उसका रेप करूँगा? और वो जो मस्टर्ड वाला पिलो था वो मैंने अपने दोस्तों के लिए भी मंगवाया था। और बैग और लोगो? वो बैग तो मैंने अपने दोस्त को दिया था, सैंडी को, वो कहीं ट्रिप पे जाने वाला था इसलिए। सर फॉरेंसिक टीम ने वीना का बैग और फोन चेक किया था, उन्हें वीना के बैग के अंदर एक एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट मिला जो नीता के केस से मैच करता है।
इसका फिंगरप्रिंट है। नीता और वीना का पहले रेप किया, बाद में दोनों को मार दिया। हाँ, अरे तू नीता को जानता था लेकिन वीना को क्यों मारा? वीना को ना मैं रोज क्लास में जाते हुए देखता था सर, मेरे को बहुत पसंद थी वो। और एक दिन जब मैं घर जा रहा था शॉर्टकट से, तो वो जंगल के बाहर मिली मेरे को, एकदम डरी हुई, एकदम हालत खराब सर। क्या हुआ? उन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। अब तुम मेरी भी इच्छा पूरी करेगी। और फिर उनको मार दिया सर। वो नीता के केस में लगा, हम लोग बच गए। और इसका तो ऑलरेडी रेप हुआ था ना सर। वाह, पहले तूने वीना का मर्डर सुसाइड बना लिया, बाद में सोहम के बैग में नीता को डाल के जलाया, और जहां सोहम पे अटैक हुआ था वहां नीता के इयररिंग्स डाल दिए ताकि सबको लगे कि नीता ने सोहम पे अटैक किया। लेकिन एक छोटा राई का दाना तेरे को धोखा दे गया। वहां से लाया रे दिमाग सर। नीता का मर्डर मेरा प्लान नहीं था सर। सर वो सैंडी बोलेगा और आप मान लोगे? नहीं, तू बोलेगा और हम मानेंगे। सैंडी ने हमको बताया, हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें ऐसा पता चला कि तू सैंडी के साथ बहुत चैटिंग करता था। तू बहुत होशियार है ना, तो तू मैसेंजर से चैटिंग करता था और बाद में चैट डिलीट कर देता था। लेकिन हमारी टीम तेरे से ज्यादा होशियार है, उन्होंने सारा चैटिंग रिकवर कर। सर ये चैट करना मर्डर का प्रूफ कैसे हो सकता है? और मेरे पास क्या मोटिव होगा नीता को मारने का? मैंने तो उसे सुसाइड करने से बचाया था। अरे सोनिया, तू ये क्राइम किया, तू तुझे करके हजार क्रिमिनल पकड़ ले, कर लेना। हाँ, सच सच बोल, नहीं तो बोल सच। सच बोल, तूने हेमा के वजह से नीता को मारा ना? आपको चिन्मय ने प्रपोज किया था? हाँ सर, हर हफ्ते करता था, और उस दिन भी किया था जिस दिन मेरी बहन को उसने सुसाइड करने से बचाया था। आपने क्या बोला? वही सर जो हमेशा बोलती हूँ, मैं ऐसे में उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। सर वो हमेशा एक ही बात करती रहती थी, कहती थी कि मेरी बहन है ना, तो मैं किसी दूसरे के ऊपर कैसे बोझ बनूं? और वो उस हलकट सोम के पीछे पड़ी रहती थी। वो हमेशा मेरी हेमा को त्रास दिया करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे रास्ते से हटा दूं। इसलिए मैंने सैंडी को कांटेक्ट किया। मुझे इस लड़की को रास्ते से हटाना है, और मुझे अच्छे से पता है कि तुझे लड़कियां कितनी पसंद है। पकड़े गए तो मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है, तू टेंशन मत ले। वो विनय की बाइक तेरे पास कैसे आई? कौन विनय सर? मैं किसी विनय को नहीं जानता सर। मैंने तो ये बाइक एक डीलर से खरीदी थी, उसने कहा था कि एक गंजेड़ी की बाइक है, तो मैंने सोचा कि अगर गंजेड़ी की बाइक हो तो उसके ऊपर ब्लेम डालना बहुत आसान हो जाएगा। चल आगे बोल। सर उस रात मैंने नीता को कॉल किया था। हेलो नीता, अच्छा एक काम कर, रेलवे पटरी है ना उसके पीछे आ जा, एक बंदा है मैंने उसको बुलाया है, वो टेक्नो एक्सपर्ट है, उसने सोहम का लैपटॉप हैक कर दिया है। वो कह रहा है कि वो तेरे सारे फोटोज डिलीट कर देगा, वो भी हमारे सामने। पर वो पैसे बहुत ज्यादा मांग रहा है, 2 लाख। 2 लाख? पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। अच्छा एक काम कर, तू जो इयररिंग्स पहनती है वो सोने के है ना? हाँ। तो वो लेके आ जा, और बाकी के पैसे का मैं इंतजाम कर दूंगा। अरे सॉरी यार, लेट हो गया। एक काम करना, तेरा फोन देना, मैं अपना फोन घर पे ही भूल गया, उस बंदे को फोन करना है ना। ए यार इसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। चले काम करते हैं, उसके घर ही डायरेक्ट जाते हैं हम लोग। ये तो सैंडी का घर है, वो भी हमारी हेल्प कर रहा है क्या? हाँ। तूने एक लड़की के साथ शादी करने के लिए उसकी बहन को मार दिया। शादी करने का बहुत शौक था ना तेरे को, अब सड़ जेल में। शुभ मंगल कर आपके लिए। चिन्मय और सैंडी ने जो किया वो शायद इंसानियत के नाम पे सबसे नीच हरकत थी, पर जानते हैं कहीं ना कहीं गलती उन चार लड़कों सोहम, राहुल, केशव और विक्की की भी थी। उन 2 लड़कियों से इन्होंने प्यार भरी बातें की, उनके इतने करीब आए, शादी के सपने दिखाए, हम बिस्तर तक हुए, और उसके बाद में ये सिला। ये कैसे होता है, आप किसी के इतने करीब आ जाते हो, इतने करीब, और उसके बाद में उन्हें दर्द दे सकते हो? मैं हर एक लड़की से एक बात कहना चाहूंगी आज,
प्यार में त्याग जरूरी है, लेकिन त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी किसी के लिए त्याग दें, अपनी इज्जत त्याग दें। एक जमाने में औरत के गहने होते थे उसकी शर्म और हया, लेकिन जब आज जमाना ऐसा है तो औरत का गहना होना चाहिए उसका आत्मसम्मान, उसका खुद के लिए प्यार। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? अभी नहीं निगम, लेकिन हो जाएगा। आयुष रोज पूछता है कि वो बड़े स्कूल कब जाएगा। पापा, आज मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया कि मैं इस साल बड़े स्कूल में एडमिशन लेने वाला हूँ। आयुष बेटा, वो बहुत महंगा स्कूल है। मैं सिर्फ बड़े स्कूल में जाऊंगा, वरना मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा स्कूल। आयुष, बोला भैया। कागज कलम दो ना हमको। भैया दो चाय भी दे देना। अच्छा, पढ़ाई लिखाई शुरू कर ली क्या? ये लो चाय। नौ बजे बैंक खुलती है। दो बजे कैश बैंक। आज भी डेढ़ बजे गए खाना खाने। आज भी दो बजे आया वापस। क्या भाई, आज भी बैठे बैठे पूरा दिन निकाल दिया? क्या करें बोला भैया, कुछ काम ही नहीं हम लोग के पास। सही कह रहे हो। क्या कर रहे हो? स्नेहा मैम, वो मैं। वो क्या, फिर से फॉलो कर रहे हो ना मुझे? तन्मय, मैं ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आप अगर ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगी। स्नेहा मैम, आई रियली लाइक यू। मैं पूरे दिन आपके बारे में ही सोचता हूँ। मैम, मैं ना आपके साथ वहाँ पर। क्या तन्मय, हाथ छोड़ो, तन्मय हाथ छोड़ो, वरना अच्छा नहीं होगा। ए, ए, लड़की छेड़ता है। हां, लड़की छेड़ता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं इसे जानती हूँ, आप लोग जा सकते हैं घर, जाओ प्लीज, और ये सब भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपसे देखा नहीं गया ना मेरा मार खाना? अरे मेरी बात तो सुनो मैम। ये लो, आ गई तुम्हारी टीचर। क्या हुआ स्नेहा, इतना लेट क्यों हो गई? बस वो ऐसे। अच्छा बच्चों, तुम लोग चैप्टर 13 पढ़ना शुरू करो, मैं आती हूँ। ओके स्नेहा, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? जी पापा, मैं चेंज करके आती हूँ। डेढ़ बजने को आया, जाता क्यों नहीं है यार?
सब मेरी बात सुनो, चलो सब बाहर आ जाओ, एक कोने में आ जाओ सब। चलो मैडम उठो, इधर आओ जल्दी, एक कोने में जाओ, एक साइड में। कौन है तुम, क्या चाहिए? पैसा बाहर आओ, बाहर आओ, पैसा भर बैग में जल्दी। चल चल चल, आज ऊपर तुझे अलग से बोलूं क्या? चल भरा बाहर, चलो एक कोने में खड़े हो जाओ सब। खोपड़ी खोल दूंगा, जल्दी कर, जल्दी खोलो, जल्दी चुपचाप सब, जितना भी है सब, हाँ जल्दी भरो, ला मुझे बैग, चल ए चल। सर बैठ लीजिए, सर आगे बस साइडो, आज बेरोजगारी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जहां गरीब और लोअर मिडिल क्लास नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं मिडिल और अपर मिडिल क्लास प्रमोशंस के लिए, हायर पैकेज के लिए जूझ रहे हैं। जिंदगी की इस रेस में सभी भाग रहे हैं, लेकिन पता है परेशानी तब होती है जब पैसे कमाने की होड़ में इंसान क्राइम का रास्ता पकड़ लेता है, तब सिर्फ तबाही होती है उस इंसान के इर्द गिर्द सबकी। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि कैसे दिन दहाड़े एक नेशनल बैंक को लूटा गया है, और हमारे सूत्रों के अनुसार पूरे 2 करोड़ की लूट हुई है, और सिक्योरिटी गार्ड रमेश प्रसाद को गोली मारकर मार दिया गया है। सर, बैंक में 2 लोग घुसे थे, लेकिन गार्ड पर किसी तीसरे शख्स ने गोली चलाई जो शायद बैंक के बाहर निगरानी कर रहा था। सर, हमारा लंच ब्रेक 1:30 बजे से 2 बजे तक होता है, उसी दौरान 2 आदमी बैंक में आए थे और उन दोनों के पास बंदूक थी। काउंटर से कैश भी ले गए सर, फिर मुझसे जबरदस्ती लॉकर खुलवाया। हमारा सिक्योरिटी गार्ड रमेश वो उनको रोक ही लेता, मगर उनके तीसरे आदमी ने बेचारे को गोली मार दी, और सर उसके बाद वो तीनों एक सफेद रंग की गाड़ी में बैठकर चले गए। ये मीडिया वाले बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए चोरी हुए, कैसे ही है? जी सर, 1:30 से 2 बजे के बीच में जो भी फुटेज है सर वो दिखाइए। सर, सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी का नंबर विजिबल है, तो सफेद गाड़ी के बारे में सारी इंक्वायरी निकाल, और वो तीन चोर उनके फोटोग्राफ सभी जगहों पर सर्कुलेट कर। सर, जिस प्लानिंग के साथ लूट हुई है, लगता तो है वो लोग प्रोफेशनल्स थे। ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहे होंगे? पॉसिबल है। पिछले हफ्ते की सारी फुटेजेस को स्कैन करो, आई एम श्योर उन तीनों में से कोई एक इंसान बैंक में आएगा बैंक की रेकी करने के लिए। सर, जैन सर, सॉरी सर, थोड़ा सा लेट हो गया था। इस पेन ड्राइव में एक फुटेज है, उसमें एक सफेद गाड़ी है, उसका पूरा रोड मैप चाहिए मुझे। कंट्रोल रूम से बात करो और ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर जितने भी फुटेजेस हैं उनको स्कैन करो। आप तुम इन तीनों चोरों में से किसी को जानते थे? जी नहीं सर। एक और बात, इन लेजर्स के मुताबिक इन 2 सालों में आपके बैंक में 15-20 लाख से ज्यादा कभी जमा नहीं हुए, तो ये 2 करोड़ जैसी बड़ी रकम कहाँ से? वो एक्चुअली सर, एक नई पेंशन योजना के चलते उस वीक में काफी कैश जमा हुआ था। इस बात के बारे में और किस किस को पता था? मुझे और हमारे कैशियर अनिल, सिर्फ हम दोनों को। दो नहीं, 5, आप 2 और वो 3 लुटेरे। जी हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, उनमें से एक ने ये बात बोली भी थी। इसका मतलब कोई अंदर का आदमी इन्वॉल्व है इसमें? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा स्टाफ लॉयल है। और आप? जी सर, आप कहना चाह रहे हैं कि इस लूट में मैं शामिल हूं? वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। सर, तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब है, मैं यहां से सीधा हॉस्पिटल ही जाऊंगा सर। महीने में कितनी बार एक ही बहाना बनाओगे राघव, ये आखिरी बार अलाउ कर रहा हूं। थैंक यू सर। सुनो, तुम्हारे फादर की रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूं, वरना कब का निकाल दिया होगा।
मेरी बेबी को गुस्सा आ गया, पर कोई ना, अपनी बेबी के लिए ना एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेके आया हूं, वो देखकर बेबी का मूड ठंडा हो जाएगा। इतना महंगा फोन, इतनी तो तेरी मंथली सैलरी भी नहीं है राघव। स्नेहा, गिफ्ट देने वाले के ना पैसे नहीं, दिल देखा करते हैं। रख ले। नहीं, मैं नहीं रख सकती। प्लीज। I said no. Okay, fine. अब भैया, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? जी हाँ। एक काम करना, ये गिफ्ट ना अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। वो क्या है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड ये गिफ्ट रख नहीं रही है। थैंक यू भैया। क्या कर रहे हो आप ये? प्लीज आई एम सॉरी, ये मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू। आयुष बेटा, पापा आए क्या? फोन भी बंद आ रहा है, कहाँ चले गए? अबे साले, गोली क्यों चलाई तूने? ए, अगर ये गोली नहीं चलाता ना तो चौकीदार हम लोग को मार देता। सिर्फ बैंक लूटने की बात हुई थी, वो आदमी उधर मर गया है, हम पुलिस पीछे पड़ेगी हमारे, बहुत गलत हुआ है। अरे भाई, करोड़ों रुपए अपने पास पड़े हैं और ये आदमी कह रहा है कि गलत हुआ है, समझाओ इसको। और सुनो, तुमने जो भी कुछ किया है ठीक किया, बिल्कुल टेंशन मत लो और तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। अनंत, कुछ पता चला? नहीं सर, हमने बैंक मैनेजर और कैशियर दोनों से सख्ती से बात की, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, ग्रिल करता रहा। आई एम श्योर बैंक का ही कोई आदमी है जिस बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व है। तो सफेद गाड़ी के बारे में पता चला? सर, कार चोरी की थी, नोएडा से उठाई गई थी, ओनर ने कंप्लेंट भी फाइल की थी। और ये तीन चोर, उनकी पहचान हुई है? सर, तीनों की फोटोज हमने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भेज दी है, बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। हाँ, आपका शख्स सही था सर। ये देखिए, वो तीसरा शख्स जिसने गोली चलाई थी, ये पिछले एक हफ्ते से बैंक में तीन चार राउंड लगा चुका है। सर, ये पक्का रिकी करने आया होगा। लेकिन बैंक मैनेजर सतीश तो कह रहा था इन तीनों में से किसी को जानता नहीं है। मैनेजर साहब को बुला लो, अच्छे से पूछताछ करेंगे हम। जी चंदर। जी सर। यार, उस सफेद गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, हाईवे के टोल नाके पर आखिरी बार दिखी थी, उसके बाद से किसी भी सिग्नल पर नहीं दिखी है। लगता है कि वो लोग गाड़ी छुपा करके कहीं पैदल गए हैं। आखिरी बार जहां पर वो गाड़ी दिखी थी वहां के शॉप्स, घर, सीसीटीवी फुटेज सब कुछ खंगाल। ओके, ठीक है सर। सर। हाँ। आपसे भी मिलने आए। बुलाओ। यस सर। ये आपके पति है? हाँ साहब, ये मेरे पति भोला हैं। आप लोग नेशनल बैंक के सामने रहते हैं? हाँ, दरअसल साहब मैं और मेरा बेटा आयुष घर पर थे और मेरे पति दुकान पर, पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो गए। मैं उनको फोन भी कर रही हूँ लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। ये और इनके दो साथियों ने नेशनल बैंक लूटा है और वहाँ के गार्ड को गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। क्या, ये आप क्या कह रहे? मेरे पति ने बैंक लूटा, गोली चलाई? नहीं, मेरे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए, देखिए, अब यकीन आया आपको? देखिए, अगर आप इनका पता ठिकाना जानती हैं तो प्लीज बता दीजिए। और इनके साथियों को जानती हैं आप? नहीं साहब, मैं इन्हें नहीं जानती। आपके घर के सामने एक बैंक लूट लिया जाता है, गोली चलती है और आपको पता तक नहीं चला? मुझे पता चला साहब, लेकिन मैं अपने पति को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। देखिए, एक सीरियस मामला है, आपके पति पर लूट का इल्जाम है, मर्डर का इल्जाम। मैं अपने बेटे आयुष की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती। देखिए, हमें पूरा यकीन है कि भोला आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और आप ही के जरिए हम भोला तक पहुंच सकते हैं। इनसे भोला का नंबर लो और सर्वेलेंस में डालो और पता करो कि लास्ट लोकेशन कहाँ थी। जाइए इनके साथ। क्या बात कर रहे हो, भोला ने बैंक लूटी है? वो तो बड़ा शरीफ इंसान है।
8 साल से भोला ये दुकान चला रहा है, आज तक उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आप कहते हो उसने किसी की जान ली? ये नहीं हो सकता। ये नोटबुक आपके पति की दुकान से मिला 9 बजे सोमवार को, 2 बार कैश वैन आई 12 बजे 4 बजे, और शनिवार को बैंक 2 बजे बंद हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपके पति बैंक रॉबरी में शामिल थे, पूरा प्लान लिखा है इसमें, देखिए। साहब ये मेरे पति की लिखावट नहीं है। तो फिर ये नोटबुक आपके पति की दुकान में क्या कर रही थी? साहब ये लिखावट उन दोनों लोगों की हो सकती है जिनकी फोटो आपने मुझे दिखाई थी। मैंने ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन एक आधा बार हमारी दुकान पर बैठे हुए देखा था उनको। अब अचानक से आपको धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा? देखिए अभी भी वक्त है, सच बता दीजिए। क्या बताऊं मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे पति निर्दोष है, वो किसी को नहीं मार सकते, साहब उन्हें फंसाया जा रहा है। ये हमारी बैंक में पहले आया है? मैं नहीं जानता सर। यही नहीं, इसकी दुकान आपकी बैंक के बिल्कुल सामने है। सर मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ, मेरी पोस्टिंग इस शहर में बस 6 महीने पहले ही हुई है। और सर मैं भी पिछले 2 महीने से इस ब्रांच में हूँ। कम समय में काफी दोस्त बना लिए आप लोगों ने, और लूट का प्लान भी। नहीं सर आप गलत सोच रहे हैं, हमारा इस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भोला उसके साथियों को 2 करोड़ के बारे में कैसे पता चला? इसकी इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ आप दोनों के पास थी ना। देखिए सच बोलिए वरना अगली पोस्टिंग सीधा जेल में होगी। सर एक बात पता चली है। स्नेहा कितनी बार पूछ चुका हूँ बताना क्या प्रॉब्लम है, मैं हूँ ना सॉल्व करने के लिए। राघव तू है मेरी प्रॉब्लम, कभी हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा है तूने? हमेशा सोचता हम दो और हमारे एक। चला यार राघव हर बार मजाक, लेकिन लाइफ मजाक नहीं है। तुम बैंक एक मामूली से एम्प्लॉय हो, मैं अपनी फैमिली में तुम्हें मिलवाऊ कैसे बोलो? अरे तो स्टार्टअप करने की तो कोशिश कर रहा हूँ स्नेहा। एक साल से सुन रही हूँ मैं तुम्हारा स्टार्टअप, कब होगा तुम्हारा स्टार्टअप? देख तू मेरा मूड मत खराब कर, और दूसरा गुस्सा ना मेरे में मत निकाल। और इतना प्रॉब्लम था तो मिलने की वजह थी मेरे से? हाँ तुम नहीं समझो। सही है सर, भोला के मोबाइल के लास्ट लोकेशन ट्रैक करके हम इस कार तक पहुंचे। सर यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही भोला का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। वो तीनों रॉबर्स के फोटोग्राफ्स आसपास के लोगों को दिखा, शायद किसी ने देखे हो। जी सर। सर भोला के साथ जो 2 लोग और थे उन दोनों की पहचान हो गई है, एक का नाम है बंटी, दूसरा का नाम है छोटू, दोनों मामूली स्टेशन है। सर ये बंटी और छोटू दोनों ही मीरठ के रहने वाले हैं, दोनों पे कुछ छोटे मोटे चोरी और मारपीट के केसेस लगे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने इतना बड़ा काम नहीं किया है। और भोला? सर भोला का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, आस पड़ोस में कभी भी उसके साथ किसी का झगड़ा या कोई लड़ाई नहीं हुई, उल्टा लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा काम कर सकता। 8 साल से भोला बैंक के सामने अपनी दुकान चला, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उसे बंदूक चलाई? सर बैंक से लुटी हुई करेंसी के सीरियल नंबर मंगवाए, कल तक मिल जाएंगे। ठीक अपने खबरियों को एक्टिवेट कर, पूरा यकीन है कि ये तीनों जो है फरीदाबाद में ही कहीं। और एक और काम कर, पिछले महीने के जितने भी बैंक एम्प्लॉयज के फोन रिकॉर्ड हैं उन्हें स्कैन कर, आई एम श्योर कोई बैंक एम्प्लॉय इस बैंक रॉबरी में शामिल। सर कौन होगा? चुप रहो। ये क्या मंगवाया तूने? अरे बताते हैं रुक जा, खोलने तो दे इसको। ये देख तब मक्खन मोबाइल है। यार पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, हम छुपते छुपाते फिर रहे हैं, पूरी खरीदारी कर रहा है। अरे इसकी बेवकूफी की वजह से ना फंसेंगे हम सब लोग। ए बंद कर अपनी टाइटें वरना यही मार के गाड़ देंगे, समझा? बहुत बोलता है तू, हट। तुझे पता है ना मुझे एक ही चीज का शौक है, नए नए मोबाइल का। यही तो एक लत है मुझे। लड़ो बता बस।
अरे तुम ही बताओ भला भैया, हम क्या गलत बोले हैं? छोटू बंटी की बात सही है, अगर हम लोग होशियारी से नहीं रहे ना, सब फंस जाएंगे। ठीक है, आगे से हम कुछ नहीं मंगवाएंगे, लेकिन हमें ऐसे मत डांटा करो, हाँ प्यार से डांटा करो, वरना हमारी खोपड़ी हिल जाती है, समझे तुम लोग? अरे इतने पैसे लूटे हैं, मौज नहीं करेंगे तो क्या फायदा है कि नहीं? हेलो, रिंग रोड सेक्टर 15 पहुंचो, बड़े काम की खबर है। ठीक है। अंदर यहाँ पर आया क्यों? और वो भी अकेला। साहब मैं घर जा रहा था तभी अचानक गोली की आवाज सुनी सर। किसी को देखा? सर पीछे से भागते हुए देखा, शक्ल ठीक से नहीं देख पाया सर। हेलो, कहाँ पर है तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा? और ये बता कब आ रहा है? कौन बोल रहा है? तू कौन बोल रहा है? और चंदर का फोन तेरे पास कैसे आया? मैं इंस्पेक्टर सार्थक बोल रहा हूँ। चंदर की डेथ हो चुकी है। अब तू बता तू कौन बोल रहा है? सॉरी सर, मैं कांस्टेबल हेमंत यादव, सर्विलेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। चंदर का दोस्त हूँ, मतलब था। चंदर की डेथ कब हुई, कैसे हुई? यही तो पता करना। हेमंत तुम सेक्टर 15 में रहते हो? जी नहीं सर, मैं गोपीनगर में रहता हूँ। चंदर मुझसे मिलने आने वाला था, आया नहीं, इसलिए मैंने कॉल किया। लेकिन हाँ सर, चंदर ने फोन पे बताया था उसके पास बैंक को लूटने वालों के ठिकाने के बारे में इंफॉर्मेशन है। तू कहाँ पर है अभी? मैं रिंग रोड यहाँ पे बस्ती में हूँ। पता चला है कि नेशनल बैंक लूटने वाले लुटेरे इस बस्ती में ही छुपे हुए हैं, मुझे आने में देर हो सकती है। सर शायद चंदर को लुटेरों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन लोगों ने इसे गोली मार दी। लेकिन चंदर के पास अगर इन्फॉर्मेशन थी तो उसने हमारे साथ शेयर क्यों नहीं किया? उसे पता था कि रॉबर्स के पास गन है, तो फिर अकेले वो इस एरिया में क्या कर रहा था? एक काम करो, बस्ती में सब लोगों को बंटी, भोला और छोटू की फोटोग्राफ्स दिखा और सबके घर की तलाशी लो, हो सकता है ये तीनों किसी के घर में छुपे हुए। सब अपने को तुर्रम खान समझते हैं। जिस दिन पुलिस के हाथे तड़ गए ना, तो दो मिनट में हैगड़ी निकल जाएगी। ए ताने मत मार, जो बोल रहा है ना मुंह पर सीधा बोल। हाँ तो बोल रहे हैं ना, तुम्हारी लापरवाही ने मरवाया हम सबको, वरना तो हम पता क्या, वरना तो क्या, देख ज्यादा बोले ना तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। ए छोटू बस कर, अदमे रह अपनी, चलो। साहब मुझे मेरे घर जाने दीजिए, मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा होगा। देखिए मैं भी आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके पति तो फंस ही चुके हैं, उनको बचाने के चक्कर में आप भी फंस जाएंगे तो सीधा जेल जाएंगे, जो जानती हैं आप बता दीजिए। साहब मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रही, और मैं जानती हूँ कि मेरे पति भी कोई गलत काम नहीं कर सकते, जरूर उनकी मजबूरी रही होगी। ऐसी कैसी मजबूरी कि बैंक लूटना पड़े, मर्डर करना पड़े? सर इस नीलम का क्या करें, कब तक ऐसे बिठा के रखे हमने? जाने दो, लेकिन उसमें नजर बनाए रख, आई एम श्योर भोला से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। बैठ सर। सर मैं हेमंत यादव। ये तीन? नहीं सर, मैंने इनमें से कभी भी किसी को नहीं देखा, लेकिन इनके बारे में कभी भी कुछ भी पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि चंदर भी मेरा जिगरी दोस्त था।
मेरे एक सीनियर थे, वो हर हफ्ते अपना चश्मा गुम कर देते। एक बार उन्होंने चश्मा ना अपने यहाँ पे ऐसे माथे पे रखा हुआ था और सारे ऑफिस में ढूंढते फिरे थे। अच्छा बच्चों, आज मुझे जरा कुछ जरूरी काम है तो हम क्लास कैंसिल करते हैं। ऐसा कौन सा जरूरी काम है इसमें? तू कहे तो मैं पढ़ा दूँ बच्चों को। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलो बच्चों, कल मिलते हैं, ठीक है? चल। सर सारे फोटो भी स्कैन किया तो उसमें वीडियो मिला, ट्रैफिक सिग्नल के फोटो भी दिखा सर। ये फुटेज तो चंदर भी देख रहा था, लेकिन उसने हमसे ये नहीं कहा कि उसने गाड़ी को स्पॉट किया था। अगर चंदर ने गाड़ी स्पॉट की, रॉबर्स की इंफॉर्मेशन थी उसके पास, तो फिर ये बात उसने हमसे क्यों नहीं बताई? सर, हमने बस्ती में तीनों की फोटोज दिखाई, लेकिन किसी ने भी बंटी, भोला या छोटू को नहीं पहचाना। लेकिन चंदर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। सर, चंदर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, अननेचुरल सेक्स, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सब कुछ काफी दिनों से चल रहा था। इस इंफॉर्मेशन ने पुलिस को हैरानी में डाल दिया। पहले लग रहा था कि बैंक लूटने वालों को पकड़ने की कोशिश में चंदर मारा गया, लेकिन चंदर की गतिविधियां कुछ और ही बता रही थी। अकेले बिना सुपीरियर्स को इन्फॉर्म किए लुटेरों के पीछे जाना, सीसीटीवी वाली बात पुलिस से छुपाना, अब जो तथ्य सामने आया उसने इस केस की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। लेकिन इतना काफी नहीं था, अभी और भी चौंकाने वाले हादसे होने वाले थे। सर, गले पे उंगलियों के निशान है, तो शायद मॉस स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई होगी। हो सकता है छोटू और भोला ने इसे मारा ताकि लूट की हिस्सेदारी कम हो। आसपास देखो, देखो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। टाइम नहीं है। अरे दिमाग लगता है सोचने के लिए। टाइम कहाँ है? अरे पुलिस यार, बुरा पुलिस क्या करे? चलो एक जगह है जहाँ से मदद मिल सकती है। सर, ये हेमंत है, कांस्टेबल था पुलिस सर्विलांस विभाग में। मैं इसका मकान मालिक हूँ। कितने दिन पहले बात हुई थी आपकी इससे? सर, दो दिन पहले। सर, ये बनारस जाने की टिकट्स बुक कर रहा था। सर, ये बनारस का ही है, लेकिन ये बनारस जाने वाला है, बताया नहीं। नहीं सर, हेमंत ने कोई छुट्टी गर्दी नहीं दी थी और ना ही मुझे पता था कि वो बनारस जाने वाला था। तुम्हारी एक दो दिन पहले हेमंत से बात हुई थी? नहीं सर, पिछले दो दिन से हेमंत ऑफिस नहीं आ रहा था और ना ही वो फोन उठा रहा है। सर, मुझे कुछ बड़ी गड़बड़ लग रही है, उसके मौत के पीछे कोई साजिश है। कैसी साजिश? नहीं सर, कुछ दिन पहले हेमंत के दोस्त चंदर की भी हत्या हुई थी। हेमंत भी मारा गया और बनारस जाने की फिराक में था। गिरीश ने जैसे ही चंदर की हत्या के बारे में बताया, मुझे लगा बात आपसे शेयर करनी चाहिए। हो सकता है दोनों मर्डर कनेक्टेड हो। सर, कुछ दिन पहले चंदर हेमंत से मिलने ऑफिस में आया था। चंदर तो अपना मुंह बंद रखेगा, अगर कुछ भी बोला ना जान से मार दूंगा मैं तुझे। हेमंत, मैं अब और सहन नहीं कर सकता हूँ, बस अब मैं सबके राज खोल दूंगा। मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, मैं तुझे ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगा, समझा तू? अगर ऐसा कौन सा रास्ता है हेमंत का जो बाहर आ जाता तो उसकी इज्जत भी जाती तो उसकी नौकरी। सर, कहीं हेमंत ही तो चंदर को सेक्सुअली असॉल्ट नहीं कर रहा था? पॉसिबल है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं आता
हम कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सर चंद्र के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, जिस दिन वो बैंक लुटेरों को पकड़ने के लिए बस्ती गया उसके एक घंटा पहले चंद्र को हेमंत का फोन आया था। सर कहीं ये पूरा खेल जो है हेमंत का रचा है तो नहीं? हो सकता है उसने धोखे से चंद्र को बस्ती में बुलाया फिर उसे वहां पर मार डाला और हमें मिसलीड करने के लिए झूठी कहानी बनाई। शायद उसने सोचा होगा कि बैंक लूट के केस के आड़ में अपना क्राइम छिपा लेगा। लेकिन अगर हेमंत मास्टरमाइंड है तो फिर हेमंत को उससे मारो। हेमंत की कॉल रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे, हो सकता है कोई क्लू मिले। कहीं हेमंत बैंक रॉबरी में शामिल तो नहीं था? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। ऐसा कैसे हो सकता है? अंधेरे में तीर चला रहा। एक काम करो, हेमंत के आस पड़ोसियों को जाकर बंटी, भोला और छोटू इन तीनों के फोटोग्राफ दिखा, हो सकता है तीर निशाने पर लग जाए। राघव सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे कॉल करना बंद करो। स्नेहा मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कॉल करूंगा, बस प्लीज एक बार मिल लो स्नेहा। या फिर वही बात, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो। स्नेहा प्लीज बहुत अर्जेंट बात करनी है तुमसे, प्लीज एक बार मिल लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा, बस एक बार मिल लो प्लीज। सर हेमंत की लोकेलिटी में हमने बंटी, भोला और छोटू की फोटो दिखाई लेकिन किसी ने भी उनको नहीं देखा, यानी सारी मेहनत बेकार गई। नहीं सर ऐसा नहीं है, भोला के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर पता चली है। क्या? साहब हम अपने बेटे आयुष का दाखिला बड़े स्कूल में करवाना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं जुटा पा रहे थे। लूट के तीन दिन पहले आपके पति ने किसी साहूकार से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे और उसी के जरिए उसने आपके बेटे की फीस भरी थी। ये देखिए 1.5 लाख रुपए, कितनी बड़ी रकम उधार ली। जी हाँ, वो भी भारी इंटरेस्ट में। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि वो लूट की रकम से ये कर्जे की रकम को लौटाना चाहते थे। आपका पति भोला इतना भी भोला नहीं था। आप मेरे पति को मुझसे ज्यादा जानते हैं क्या? साहब ये पैसे उधार लेना, बैंक लूटना और गोली चलाना, ये सब मेरे पति से कोई करवा रहा है। साहब मुझे लगता है कि मेरे पति बहुत बड़ी मुसीबत में है, आप उनको ढूंढ निकालिए, सारा सच सामने आ जाएगा। हेलो, हेमंत की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई, उसमें एक लड़की का नंबर है जिससे हेमंत पिछले कुछ दिनों से टच में था। लड़की का नाम क्या? सर उस लड़की का नाम स्नेहा है और आज सुबह उसकी लाश मिली। पता चला वो पार्क में जॉगिंग करने गई, उसका फोन भी बंद और जब यहाँ आए तो शक्ल एसिड से जलाई गई है। स्नेहा का अफेयर था किसी के साथ? क्योंकि ऐसी हरकत कोई दिलजला आशिक ही कर सकता है। सर हम पार्क में और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है किसी ने स्नेहा को किसी के साथ देखा हो। ठीक है मैं तुम्हारे सीनियर से बात करता हूँ, कहीं ना कहीं ये केस और हमारा केस कनेक्टेड लगता है, उनसे कहता हूँ कि ये केस हमें ट्रांसफर कर दे। सर सर मैं जानता हूँ एक नाजुक मौका है लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी होगी। ये हेमंत एक पुलिस कांस्टेबल, इसके मरने से कुछ दिन पहले आपकी बेटी स्नेहा इससे मिली थी, क्या आप इसे जानते हैं? मैंने इसे कभी नहीं देखा। जहाँ तक मेरी बेटी की मौत का ताल्लुक है मैं सिर्फ इतना जानता हूँ सर के मेरी बेटी को उस तनमे ने मारा। कौन था? मेरी बेटी को हमेशा फॉलो करता, मेरी बेटी परेशान थी उससे, उसी ने मारा है सर मेरी। हाँ सर मैं स्नेहा मैम का पीछा करता था लेकिन मैंने उनको मारा नहीं है। बेवकूफ है, तुम स्टूडेंट हो इसलिए प्यार से पूछा, वरना और भी तरीके हमारे पास मुंह खुलवाने के। सच सच बताओ। नहीं सर मुझे मारना मत, मैंने तो कई दिनों से स्नेहा मैम का पीछा करना ही छोड़ दिया था जब से उस पुलिस वाले ने मुझे डराया था। पुलिस वाले? हाँ सर। स्नेहा मैम ये आपकी। उसे की मार खाकर भी नहीं सुधरे तुम? मैम आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस थोड़ी देर बैठना चाहता था आपके साथ। ए मजनू अभी मुझ के बाल नहीं निकले, लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है, ले चलो थाने। नहीं सर मैं जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहा हूँ, सबक सिखाना पड़ेगा ना, चल उठक बैठक निकल। सर उठक बैठक लगा चल। हाँ सर यही था पुलिस वाला, स्नेहा मैम का बॉयफ्रेंड। सर मैंने स्नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक कर लिए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता स्नेहा और हेमंत के बीच कोई अफेयर चल रहा था, क्योंकि तन्मय को सबक सिखाने के बस एक दिन पहले ही हेमंत और स्नेहा ने पहली बार बात की थी
उसके बाद उन दोनों में लगातार बात नहीं होती थी और ना ही कोई लंबी चैट। और चंद्र और स्नेहा के बीच? सर उन दोनों में तो कभी बात होती ही नहीं थी। दो लोग मिलते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों का मर्डर हो जाता है। हमें यह पता लगाना होगा आखिर हेमंत स्नेहा से पार्क में मिला क्यों, दोनों का रिलेशनशिप क्या था। सर एक लड़का है राघव, पिछले कई महीनों से स्नेहा के साथ राघव की लगातार बात होती थी, यहाँ तक कि देर रात तक। राघव? कहीं ये राघव स्नेहा का बॉयफ्रेंड तो नहीं? हो सकता सर, क्योंकि जिस दिन स्नेहा का मर्डर हुआ था राघव का फोन उस दिन उसी एरिया में एक्टिव था। एक और बात सर, राघव नेशनल बैंक की दूसरी ब्रांच में काम करता था, लेकिन उसके इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के चलते पिछले महीने उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। कहीं ये राघव इस चक्रव्यूह का मास्टरमाइंड तो नहीं? उठा के ले गया उस राघव को? जी सर, मैं और स्नेहा रिलेशनशिप में थे, पर सर उसका मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना इन बैंक रॉबरी से। सर इनको तो मैंने कभी पहले देखा भी नहीं। सर क्या मैं जा सकता हूँ? चुपचाप बैठे रहो, इंटरोगेशन के लिए बुलाया तुम्हें। 2 करोड़ रुपयों की चोरी हुई है, 2 पुलिस वाले मारे गए, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्नेहा जब उसका मर्डर हुआ पार्क में तुम वहीं पर मौजूद थे, क्या कर रहे थे वहां पर? मैं तो उसे सब सच बताने गया था। कौन सा सच? मुझे जॉब से निकाल दिया गया, पर आई प्रॉमिस कि मैं 1 महीने के अंदर नया जॉब ढूंढ लूंगा और फिर हम तुम्हारे पापा से बात करने चलेंगे अपने बारे में। मुझे बस थोड़ा सा और समय दे दो प्लीज। बोल दिया तुमने, अब मुझे तंग मत करना, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए ऐसा मैटर नहीं करता रहा था। I'm sorry. सर पता नहीं स्नेहा को क्या हो गया था, मेरी बातों कुछ उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। पिछले कुछ टाइम से सर बहुत अजीब बिहेव करती थी। सर मुझे तो लगता था कि कुछ ऐसी बात थी जो मन ही मन उसको खाई जा रही थी, जो किसी से वो शेयर नहीं करना चाह रही थी। तेरी नौकरी तो गई है, तेरी हड्डियां भी जाएंगी। सच सच बता, तुझे शक था ना कि हेमंत और स्नेहा का अफेयर चल रहा है, इसलिए स्नेहा को मार दिया, उसका चेहरा जला दिया। कौन हेमंत? मैं तो उसे जानता भी नहीं। सर स्नेहा को मैंने नहीं मारा। तो चंदर और हेमंत दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया कि चंदर की तरह हेमंत को भी सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा था, वो भी काफी दिनों से। और अब तक हम ये समझ रहे थे कि हेमंत ने चंदर को एक्सप्लॉइट किया, जबकि हेमंत खुद ही एक विक्टिम है। कहीं स्नेहा के साथ भी? नहीं सर, स्नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इस केस में चल क्या रहा है? आमतौर पर ऐसे केसेस के अंदर विमेन सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होती है, यहाँ तो आदमी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रहा है। ऊपर से ये भी पता नहीं चल रहा है कि हेमंत और स्नेहा के बीच में क्या रिलेशनशिप था। हेलो नीलम, बोला कहाँ है आप? और ये जो पुलिस कह रही है सब झूठ है ना? बोलो ना झूठ है। देखो आप यहाँ आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया ना, तो ये पुलिस वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। नीलम मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे और आयुष को छोड़कर कहाँ जाएंगे? और कोई रास्ता नहीं है नीलम। ये आपने क्या कर दिया, अपने बेटे की बातें पर धब्बा लगा दिया। ऐसा मत बोल नीलम, जब मिलूंगा तो बताऊंगा कि जो किया क्यों किया। ये केस था तो बैंक रॉबरी का, लेकिन इस बीच में 4 जाने जा चुकी थी। 2 पुलिस कर्मियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का चौंकाने वाला खुलासा हो चुका था। लग रहा था जैसे ये सारी वारदातें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन कैसे इस बात पे अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ था। क्या वाकई इन घटनाओं के बीच कोई कनेक्शन था, या ये सिर्फ पुलिस का एक इंस्टिंक्ट था? पुलिस अभी तक इसी असमंजस में लगी हुई थी कि अचानक एक ऐसी खबर मिली जिसने इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। सर मैंने नेशनल बैंक के सभी एम्प्लॉइज के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, एक को छोड़कर बाकी सब क्लीन है। ब्लैक शीट संजीव नाम है उसका, कैशियर अनिल के अंडर काम करता है। सर भोला और संजीव के कॉल रिकॉर्ड में मुझे एक नंबर हमेशा कॉमन दिखा है। उठा के ले गया संजीव का, उसका अकाउंट अब हम सेटल करेंगे। सर ये सब रिकॉर्ड आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? मेरा इस रॉबरी से कोई कनेक्शन नहीं है सर, मैं तो खुद उनकी बंदूक आगे हाथ ऊपर करके खड़ा था। ये मत सोचना कि रॉबरी के चार्ज में तुझे अंदर लेके आए तो तुझे बेल हो जाएगी। मर्डर का भी चार्ज लगाया तुझ पे, तेरी वजह से एक इनोसेंट आदमी की जान गई है। वो गार्ड रमेश, हमारे 2 कांस्टेबल मारे गए। सर मुझे मत फंसाइए सर, मैं सब कुछ बताता हूँ सर। सर भोला रोज रोज बैंक आ रहा था, मैंने इस बात को नोटिस किया, मुझे लगा कि ये कुछ बड़ा कांड करने के फिराक में। मुझे एक आइडिया आया सर, और मैं भोला से मिला। अरे सर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो बस यहाँ खाता खुलवाने आया था। मुझे पता है तू झूठ बोल रहा, तू रोज बैंक आता, CCTV की तरह तेरी नजर कोने कोने में घूमती है। नहीं सर डरने की जरूरत नहीं, अब मैं भी तेरे साथ हूँ।
चल मिलकर कुछ बड़ा करते। सर भोला ने मुझे अपने दो साथियों से मिलवाया, छोटू और बंटी। मुझे बैंक में 2 करोड़ रुपए आए थे, उसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी थी? जी सर। कहाँ छुपे बैठे ये छोटू और बंटी? गाजियाबाद में मेरा एक दोस्त था, उसके घर पे। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो 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 अरे छोड़िए सर। बोल सर, हमने तो सिर्फ काम किया था जो हमें बताया गया था, प्लान हमारा नहीं था। तो किसका प्लान था? सर ये बंदारी, शराफत, ये सब सब झूठ है सर। 8 साल रगड़ दिया खुद को, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं। बच्चे को उसके पसंद के स्कूल तक नहीं भेज सकता मैं। बैंक मेरे सामने था और मेरी जेब खाली। तभी एक दिन छोटू बट्टी मिले। अरे बोला भैया, कोई काम धंधा बताओ ना, जिसमें थोड़ा पैसा वैसा मिले अपने को। क्या बताए तुम्हें, हम खुद ठन ठन गोपाल है। तुम लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी भर रोते रहो पैसों के लिए। अरे भोला भैया, तुम्हारे सामने तो पैसों का गोदाम लगा है, बैंक है, जाके निकाल लो। और हाँ, अगर कट्टे वट्टे की जरूरत है ना तो मुझे बताना, गांव से मंगवा दूंगा। छोटों की बात दिमाग में बैठ गई थी, ठान लिया था कि बैंक तो लूटेंगे। फिर मैंने प्लान बनाना शुरू किया, छोटू बंटी बैंक लूट के गाँव चले जाएंगे, मैं बस प्लान बनाऊंगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। संजीव शामिल हुआ तुम्हारे प्लान में? हाँ, उसका भी फायदा हुआ। पहले तो हम लाखों का सोच रहे थे, लेकिन अब बात करोड़ों की थी। सब ठीक चल रहा था सर, बस वो गार्ड वो वक्त से पहले आ गया और सब कुछ बिगाड़ दिया उसने, इसलिए मजबूरी में मुझे सामने आना पड़ा और उसे मारना पड़ा। बंटी को क्यों मारा? घबरा गया था। अगर तुम दोनों को यहाँ रहकर मरना है ना तो मरो, हम चले अपने गाँव। तू गाँव नहीं जाएगा, तू जेल जाएगा, और इसके चक्कर में हम लोग भी जेल जाएंगे। समझता नहीं है यार? अरे नहीं समझ गया हमको कुछ भी यार। कांस्टेबल चंदर को क्यों मारा? कांस्टेबल चंदर? सेक्टर 15 में रहते हो ना तुम लोग, वहां पर मिलने आया था तुम लोग? सेक्टर 50? सर हम तो वहां कभी नहीं रहे। झूठ मत बोलो वरना। अरे सर झूठ काहे बोलेंगे, गार्ड को मारा तो बता दिया, बंटी को मारा तो बता दिया, अगर उनको भी मारते तो बता देते सर। पैसे का? सर पैसे हमारे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? सर वो आप ही के डिपार्टमेंट के एक पुलिस वाले हैं, आपसे पहले उन्होंने हमें ढूंढ लिया था, उन्होंने हमसे सारे पैसे ले लिए और एहसान में हमें छोड़ दिया। कौन है वो पुलिस वाला? नाम तो नहीं पता, लेकिन इसकी गलती से पहुंचे थे वो हम तक। इसने मोबाइल ऑर्डर किया था ऑनलाइन। मैम गेहूं कई मर्दों के साथ संबंध रहे मेरे, हेमंत और चंदर के साथ भी। दारू के नशे में धुत करके मैंने रेप किया था, दोनों अपना मुंह ना खोल दी इसलिए मैंने उनके वीडियोस बना के रखे हुए थे ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सकूं। जब जी मन करता मैं उन्हें बुलाता और मजे करता उनके साथ, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ दोनों मुझे धमकाने लगे, कहने लगे कि अगर मैं नहीं रुका तो वो सारी दुनिया के सामने मेरे राज खोल देंगे। कभी बैंक रोबरी की घटना घट गई, इस पर चंदर काम कर रहा था। पहले तो मैंने लुटेरों को ट्रैक किया और उनसे लूट के पैसे लेकर चंदर को बहाने से फोन करके बुलाया। चंदर की मौत के बाद हेमंत को अंदाजा हो चुका था कि अगली बारी उसकी है, इसलिए वो भागने की फिराक में था। इससे पहले वो भागता अपनी बेटी स्नेहा को की मार, क्योंकि वो हेमंत को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। उसने हेमंत के रेप के वीडियोस मेरे फोन में देख लिए थे। मेरी अपनी बेटी मुझे ही धमकाने लगी। पापा मुझे पता चल गया आप ये हो, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप एक खूनी हो, एक रेपिस्ट हो, और इस गुनाह की सजा तो आपको मिलनी चाहिए। बेटा मेरी मजबूरी थी, और जिस राज को छुपाने के लिए आपने मासूमों की जान ली, अब मैं खुद उस राज को सबके सामने बताऊंगी। मेरी अपनी बेटी मेरे लिए खतरा बन गई थी, अगर लोगों को पता चल जाता कि मैं गे हूं तो लोग मुझे मर्द नहीं समझते, उल्टा हंसते मुझ पर। अब जब ये राज अखबारों की सुर्खियां बनेगा, किस किस को मारोगे तुम? देखिए समलैंगिक होना कोई गुनाह नहीं है,
एक आदमी या औरत होने जितना स्वाभाविक है, नेचुरल है, और अब इस बात को हमारा कानून भी मान्यता देता है। मैं समझती हूँ हमारे समाज का एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो LGBT राइट्स के बारे में खुल के बात नहीं करता है, जो इनको इनफैक्ट समझता भी नहीं है। नवीन ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। ये नतीजा था एक छुपी हुई जिंदगी का। उसे लगा था कि उसकी समलैंगिक होने की बात अगर सबके सामने आएगी तो उसका मजाक उड़ेगा, उसकी मर्दानगी पे लोग हंसी उड़ाएंगे। लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपनी कमजोरियों को छुपाना, अपने डरों को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, क्या ये मर्दानगी है? ऐसी भयभीत जिंदगी का क्या फायदा? बल्कि मैं तो पूछूंगी, क्या ये जिंदगी है? माने या ना माने, ये हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है आज, और इसे एड्रेस करना, इसे संबोधित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे नजरअंदाज करके अब हम नहीं रह सकते, ताकि कोई मर्दानगी की एक गलत परिभाषा में उलझ के इंसानियत से दूर ना चला जाए, क्राइम का रास्ता ना पकड़ ले, तभी हम एक अच्छा और स्वस्थ समाज बना पाएंगे। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।